उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी मैं जब आ रहा था दोपहर को, आज हमारी रसोई में एक चूहा घुसा हुआ था, उससे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, उसको देख के अपनी याद आई, इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारी जो रसोई है ना, उस रसोई के ऊपर एक खिड़की है, तो जैसे ही उसने मुझे देखा, बहुत बड़ा चूहा था, वो खिड़की में भाग गया। अब जब खिड़की में भाग गया तो खिड़की के दो किवाड़ हैं, एक खुला हुआ था एक बंद था, तो वो खिड़की से ऊपर भागने की चेष्टा कर रहा था, तो खुले हुए में ग्रिल लगी हुई है। अब उसने देखा कि मैं सामने ही खड़ा हूँ, तो उसने क्या किया, जो खिड़की बंद थी, जो बंद है उसके बीच में जो स्पेस है, ग्रिल और खिड़की के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे जाके बैठ गया। अब सामने आ नहीं सकता, सामने कैसे आएगा, क्यों, उसको पता है कि भाई सामने खड़े हैं यमराज जी मारेंगे, तो सामने आएगा नहीं। अब वहाँ पे चुपचाप वो खड़ा हुआ, उसको पता भी है कि सामने मैं हूँ, तो वो बहुत डर रहा था। जैसे अगर हमारे सामने कोई बंदूक लेके आए तो हम डरते हैं ना, कोई चाकू तलवार ले आए, तो वो बहुत डर रहा था, उसकी बॉडी बहुत शिवरिंग हो रही थी। तो अब मेरे को उस पर गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने क्या किया, वो जो खिड़की है, खिड़की को अगर आप ऐसे नॉक करोगे तो उसको और डर लगेगा। उसको मैंने ऐसे नॉक किया, उसको और डर लगा। अब वो कहीं भी जा नहीं सकता है, उसको पता है मैं कहीं जा नहीं सकता, सामने ही मैं खड़ा हूँ और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। तो वो जो ग्रिल थी वो लोहे की थी, तो अपने दांत से उसको कड़ 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 कर करके काटने लगा। अब वो तो टूटेगी नहीं, इसके दांत टूट जाएंगे। तब इसे देखा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस चूहे ने पता है क्या किया, मेरे पास उस समय कैमरा नहीं था, अगर कभी ऐसा कभी आपके साथ हो ना, देखना चूहा एक काम करता है, चूहे ने भी हाथ जोड़ लिया। तो मेरे को दया आ गई, खैर मैं इसको तब भी कुछ ना करता, लेकिन मैंने कहा इसको डराना भी नहीं है, चूहे बिल्कुल ऐसे है। तो वो ऐसे देख रहा था, आंखों में आंसू थे, और ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे उसके चारों पैर होते हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहा था वो, ऐसे ऐसे। तो देखो इस जगत में, और उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर चला गया, मैंने लाइट बंद कर दी रसोई की, हल्का सा छेद था, मैंने देखता हूँ अब क्या करेगा, और वहाँ पे कुछ खाने को भी पड़ा था, फिर वापस आके खाने लगा। फिर मैं गया, फिर भाग गया, फिर ऐसे ऐसे हाथ जोड़ने लगा। तो यही हमारी स्थिति है, हम लोग क्या करते हैं, अपराध करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्षमा कर दो क्षमा कर दो, फिर बाहर आके फिर क्या करते हैं, फिर अपराध करना शुरू कर देते हैं। हम सबकी स्थिति यही है। तो हमें एक होता है प्रेम, इस जगत में कोई प्रेम किससे करता है, ये मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, इस जगत में जो प्रेम करते हैं किससे करते हैं, अधिकतर तो अपनों से करते हैं, अपनों से करते हैं। इस जगत में हम प्रेम करते हैं, प्रभु जी ने बोला अपनों से करते हैं, क्या कोई पराये से प्रेम करता है? अगर घर में शादी है अपनी बेटी की, तो पैसा किसकी शादी पर लगाओगे, अपनी बेटी की पराई की, अपनी की लगाओगे, पराई से तो कोई प्रेम करता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपने से प्रेम ना करे, अपने से द्वेष करे और परायों से प्रेम करे, तो उस व्यक्ति को समझदार बोलेंगे नहीं। अपने व्यक्ति जो उससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम छोड़ के पराये व्यक्ति से प्रेम करे जो उससे द्वेष करते हैं, उसको समझदार बोलेंगे, उसको तो बोलेंगे नहीं। क्यों, कि भाई तुम क्या करते हो, विश्वासघात करते हो, तुम्हारी अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, किसी और के पास जाते हो प्रेम करने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, वो तो अच्छा नहीं है। तो इस जगत में अगर कोई मानो स्त्री भी है, अपने पति को छोड़ के किसी और के उससे प्रेम करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको तो अच्छा बोलेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान जो है कृष्ण, वो जगत के पति हैं। भगवान कृष्ण क्या है, जगत पते, जब वो पूरे जगत के पति हैं, तो सारी जीवात्माएं क्या हो गई, उनकी पत्नियां या उनकी दासी हो गई। तो जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, इस जगत में कहीं और प्रेम ढूंढती है, तो वो ठीक स्त्री, वो तो ठीक नहीं, उसको क्या मिलता है, फिर दंड मिलता है। इसलिए हम सब लोगों को दंड मिलता है। चैतन्य चरितामृत में इस बात को बताया गया है कि हमारे जितने भी दुख हैं, आज इस जगत में हम सब लोग दुख नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता,
इस दुख से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं कि कल को दुख नहीं आए, बच्चों को हम पढ़ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके पीछे एक वो क्या है हमारा प्रयोजन कि कल को बच्चों को दुख नहीं आना चाहिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, संसार में लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हमको क्या करो पढ़ लिख के अच्छा हम लोग उसको इस्टेब्लिश कर देंगे। उसके बाद उसकी शादी भी ऐसी जगह पे कराएंगे, ऐसी पत्नी हो जो उसको सुख दे, दुख देना। उसके बाद बच्चे भी ऐसे होने चाहिए, बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि माता पिता की सेवा करें ताकि बुढ़ापे में माता पिता का कोई देखरेख करने वाला हो, दुख आए ना। तो हम इस जगत में बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं कि हमें दुख नहीं मिले और क्या मिले, सुख मिले। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग बहुत चेष्टाएं करते हैं सुख मिले दुख नहीं मिले, लेकिन दुख आता है या नहीं आता? दुख अपने आप आता है। तो इस जगत में अब प्रश्न ये है कि दुख के लिए कोई मेहनत करता है? सुख के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं कि मुझे सुख चाहिए सुख चाहिए, सुख के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके सुख आता है और नहीं भी आता। क्या कोई दुख के लिए मेहनत करता है? जिस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख के लिए मेहनत करता हो, लेकिन तब भी उसके जीवन में दुख आता है या नहीं आता? आता ही है। क्यों आता है? हमने कभी दुख ना चाहा है, ना हम दुख प्रार्थना करते हैं कि हमें दुख मिले, ना हम चाहते हैं कि हमें दुख हो, इसके लिए हम कुछ प्रयास भी नहीं करते कि हमें दुख चाहिए, फिर भी हम सबके जीवन में दुख क्यों आता है? हाँ, तो कर्मों के फलस्वरूप। ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि हम सब लोगों के जीवन में जो दुख आता है इसलिए कि हमने पूर्व जन्म में क्या किए थे, कुछ गलत कर्म किए थे। अब प्रश्न है कि हमने गलत कर्म क्यों किए थे? सबसे पहले हम लोग दुख चाहते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि पूर्व जन्म में हमने क्या किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं, हमारे प्रारब्ध हैं तो हमें दुख आता है। अब प्रश्न एक और आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने गलत काम क्यों किया, हम लोगों ने गलत काम किया, पाप किया, क्यों किया? अज्ञानतावशत। एक व्यक्ति पाप करता है किसके कारण? अज्ञानतावशत। कई लोग ज्ञान में भी करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इसका जो मूल होता है पाप करने का, वो होता है कि हृदय में पाप करने की वासना है तभी पाप करता है, और उसके पीछे क्या है, अज्ञान। कि एक व्यक्ति के हृदय में अज्ञान है, पाप करने की वासना जागी, पाप किया, फिर क्या मिला, दुख मिला। तो हमें जो दुख मिल रहा है अगर उसका मूल कारण देखा जाए क्या हुआ, अज्ञान। अज्ञान मानते हो या नहीं मानते? जैसे बहुत सारे लोग हैं गाय का मांस खाते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि अगर तुम गाय का मांस खाओगे तो तुम्हारे शरीर पे, गाय के शरीर पे जितने रोम है, गाय के शरीर पे जितने रोम है उतने साल तक एक जीव को नरक में तड़पना पड़ेगा। अगर किसी ने गाय का मांस खाया तो गाय के शरीर में कितने रोमकूप होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, गिन भी नहीं सकते। अभी किसी व्यक्ति ने मांस खाया कितनी देर का सुख मिला, अगर सुख भी मिला तो कुछ क्षण का, और दुख कितने समय के लिए मिल गया, लाखों करोड़ों साल के लिए मिल गया। तो इस अब ये क्या था, अज्ञान था या नहीं था? उसके पाप के पीछे कारण हो गया अज्ञान। अब और पीछे चलते हैं, अज्ञान का कारण क्या है, समझ में आ रहा है ना? कि हम लोग पाप करते हैं इसलिए हमें मिलता है दुख, दुख का कारण हो गया पाप, पाप का कारण हो गया अज्ञानता। अब अज्ञानता का क्या कारण है? अच्छा हाँ वही, क्यों ज्ञान का अभाव हो गया अज्ञान, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है हमारे हृदय में भोग की वासनाएं जागती है, जो हमारे हृदय में भोग की वासनाएं जागती है ना, नहीं अज्ञान के कारण ही भोग की वासनाएं जागती है। पहले हो गया दुख, दुख के पीछे हो गया पाप, पाप का जो हमने कर्म होगा पाप, पाप और अज्ञान के बीच में आती है भोग की वासनाएं, भोग की वासनाओं के पीछे आता है अज्ञान, अज्ञान के पीछे आता है कृष्ण को भूल जाना। क्या आता है? कृष्ण को भूल जाना। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतेव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, जिस दिन जीवात्मा कृष्ण को भूल जाती है उसी दिन से आके उसको माया पकड़ लेती है, और माया क्या है? अज्ञान। किसी को कम अज्ञान है, किसी को ज्यादा अज्ञान है, लेकिन इस जगत में सब अज्ञानी है जो कृष्ण के भक्त नहीं है। तो हम सबका जो दुख का मूल कारण है शास्त्र बोलते हैं वो क्या है, कृष्ण को भूल जाना। जब हम कृष्ण को भूलते हैं उसी समय माया रूपी अज्ञान हमें आके पकड़ लेता है, और जब माया रूपी अज्ञान आके पकड़ लेता है हृदय में क्या जागती है, भोग की वासनाएं जागती है। अब इस चीज को भी समझ लो, जब अज्ञान जागता है, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो ये ज्ञान या अज्ञान,
अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो वो ज्ञानी है अज्ञानी? ना, वो भी अज्ञानी। जो पुण्य करता है वो भी क्या है? अज्ञानी है। जो पाप करता है वो भी अज्ञानी है, दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि पाप और पुण्य इस जगत में दोनों क्या करते हैं? हमें बांध के रखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसका क्या है? वो पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं करता, वो क्या करता है? केवल प्रभु की भक्ति करता है। क्योंकि वो इस जगत की किसी भी कर्म के रिएक्शन के अंदर आपको अपने आप को बांधना चाहता नहीं है। महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि इस जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म जिसने हमें बांध के रखा है, इस जगत में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। हम सब कर्म से बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि आज जो हमने कपड़े पहने, आप सोचोगे ना हमने अपनी इच्छा से पहने हैं, वो भी कर्म है, यानी कि वो भी हमारे प्रारब्ध है। हम सब लोग अपने प्रारब्ध कर्मों से बहुत अच्छी तरह बंध के रखे हुए हैं। अब इस जगत का कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप और पुण्य ना हो। इस जगत के हर कर्म के अंदर दोनों चीजें होंगी, पाप भी होगा और पुण्य भी होगा। जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, मर्डर कर दिया, पाप हो गया। अब मर्डर करने के बाद उसको वहां से छोड़ के भाग गया, उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वहां पे कुछ चींटियां आके उसके शरीर के खून को पीती है, तो जो चींटियों ने उसके शरीर के खून को पिया उसका उसको पुण्य भी मिलेगा। समझ में आ रही है? वो पुण्य कितना होगा? बहुत कम। और पाप कितना होगा? बहुत ज्यादा। इस जगत का हर कार्य, इस जगत का हर कार्य कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर पुण्य नहीं हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें फुल पाप हो, सबके अंदर मिक्सचर होगा। ये हो सकता है कि 99.999 आपको वहां पे पाप दिखे, लेकिन 0.0001% कहीं ना कहीं वहां पे पुण्य भी होगा। और इसका उल्टा आपको वहां पे हो सकता है कि 99.999% क्या दिख रहा है? पुण्य दिख रहा है, लेकिन वहां पे क्या होगा? 0.01 पाप भी होगा। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं हम पाप और पुण्य के अंदर बंधे होते हैं, और ये जो पाप और पुण्य है ये आपस में कभी नलीफाई नहीं होते कि चलो भाई मैंने 50 पाप किए हैं, अब 10 पुण्य कर लिए तो कितने पाप का फल भोगना पड़ेगा? 40 का। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता होता तो इस जगत में दो लोग मिलते, या तो सारे परम सुखी मिलते या सारे परम दुखी मिलते, कोई सिर्फ पुण्य भोग रहा होता, कोई केवल पाप भोग रहा होता। लेकिन आप देखो जीवात्मा क्या करती है, पाप और पुण्य दोनों भोगती है। एक व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए थे लेकिन पुण्य भी कम नहीं किए थे, अमीर घर में कुत्ता बन गया, होता ही नहीं होता। और इसका उल्टा भी देखने को मिलता है, एक व्यक्ति ने पुण्य बहुत किए थे लेकिन पाप भी कम नहीं थे, उसी अमीर घर का जो कुत्ता था उसका नौकर बन गया, वो मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन क्या कर रहा है? कुत्ते की नौकरी कर रहा है। तो इस जगत में हम सब लोग पाप और पुण्य में जो बंधे हैं उसका जो मूल कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव्ये प्रपदन्ते मायामेतम तरंती ते, कि अगर अर्जुन कोई मेरी शरण में आता है तो मेरी माया उसको क्या करती है? छोड़ देती है, वो मेरी माया को पार पा जाता है। तो हम सबके जो दुख का मूल कारण है वो क्या है? कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। और अगर हम कृष्ण को किसी प्रकार से दोबारा स्मरण करते हैं, कृष्ण से अगर हम प्रेम करते हैं, तो हमारे सारे दुख कैसे होते हैं? हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमने शुरुआत ऐसी करी थी कि हम प्रेम किससे करना है? अपने से। तो इस जगत में अपना कौन है? कृष्ण ही अपने हैं। कैसे? आत्मा जो है, आत्मा भगवान की अंश है, हम लोग शरीर नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझो कि हम लोग जिसको शरीर मान के बैठे हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम करने की विषय नहीं है। जैसे अगर आप किसी गेस्ट हाउस में गए, गेस्ट हाउस में आप कुछ दिन रहते हो, तो क्या गेस्ट हाउस के आप मालिक बन जाते हो? गेस्ट हाउस के मालिक बन जाओगे? नहीं, कुछ दिन के लिए आए हो। उसी प्रकार से हम लोग इस शरीर के अंदर आए हैं, ये शरीर भी गेस्ट हाउस है, कुछ दिन के लिए आए हैं, हम लोग इसके मालिक बने नहीं हैं। तो प्रेम करना है अपनी वस्तु से। अब भागवत बोलती है अपनी वस्तु क्या है, थोड़ा हम गंभीर और आगे बढ़ेंगे। भागवत में प्रश्न उठा कि हम इस जगत में जिससे भी प्रेम करते हैं शरीर से करते हैं, क्या कोई आत्मा से प्रेम करता है? आत्मा से कोई प्रेम करता नहीं है। इसलिए देखने को मिलता है पति पत्नी से बहुत प्रेम करती है, पति अगर शरीर छोड़ के चले जाए तो उसके शरीर को क्या करते हैं? रात तक भी इंतजार नहीं कराते, भाई खराब हो जाएगा अभी जाके अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार करने के बाद जो उसकी अस्थि होती है उसको भी घर पे लेके आना नहीं है, अपवित्र है वहीं पे रखो, वहीं से ही गंगा यमुना में बहा देंगे। कोई लेके आते अस्थियां घर? अस्थि भी कोई घर लेके आता नहीं। तो इस जगत में जो प्रेम है जिसको हम देख के प्रेम करते हैं शरीर से, पहली बात इस चीज को समझो हम शरीर नहीं है। तो भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें एक प्रश्न पूछा है, भागवत में एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये देह किसकी है, ये देह किसकी है? किम आत्मनाम किम सूर्यदाम इति यो, कि ये देह किसकी है? आत्मा की है। जिस आत्मा ने शरीर को धारण करा है क्या वो इसका मालिक है?
तो पित्रो किम स्वम्नु भार्यया, सबसे पहले बोला नहीं नहीं इसका मालिक पिता है, क्यों, पिता ने इसको जन्म दिया, तो इसका अगर मालिक पिता है तो फिर कह रहे हैं नहीं नहीं इसका मालिक पिता नहीं है, इसकी तो जो मालकिन है वो कौन है, माता है, क्योंकि पिता ने तो केवल बीज दिया और माता ने क्या किया, उसको अपने कोख में धारण किया और उसको पाला पोसा बड़ा किया, तो इसका वो कौन है, स्वामी, इसकी स्वामी माता है। तो वहां पे फिर आगे प्रश्न आता है, पित्रो किम स्वम्नु भार्यया स्वामिनो अग्ने, पिता बोलता है मैं हूँ, माता बोलती है मैं हूँ, उसके बाद अग्नि बोलती है नहीं नहीं तुम दोनों इसके स्वामी नहीं हो, इसकी स्वामी कौन हूँ, मैं हूँ, क्योंकि जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो ये आखिरी में शरीर किसके पास आता है, अग्नि के पास ही आता है, तो अग्नि बोलती कि तुमने तो इसको अपने पास कुछ समय के लिए रखा था, इसका एंड कंज्यूमर कौन है, मैं हूँ, जैसे मानो ये जो फोन है, ये फोन अभी इसको मैं यूज कर रहा हूँ, इससे पहले कहीं पे बना होगा, बनने के बाद किसी होलसेलर के पास गया होगा, किसी दुकान में 3 महीने पड़ा भी रहा होगा, तो दुकानदार इसका मालिक तो हुआ नहीं, एंड में कौन यूज कर रहा है, फाइनल कस्टमर, वही तो इसका मालिक है। तो उसी प्रकार से अग्नि बोलती है कि ये शरीर तुम्हारे पास कुछ कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय पिता के पास रहता है, कुछ समय माता के पास रहता है, कुछ समय पत्नी के पास रहता है, और आखिरी में कहाँ चले जाता है, अग्नि में, तो इसकी मालकिन कौन है, वो कहती है मैं हूँ। शव गृद रहो, उसके बाद कई जगहों पे शरीर को जलाया नहीं जाता, कई जगहों पे शरीर को क्या करते हैं, दफना देते हैं, कई जगहों पे शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं या दफना देते हैं तो वहाँ पे कीड़े उसको खा जाते हैं, या फिर अगर ऐसे ही छोड़ दो तो श्रृगाल और कुकर खा जाते हैं, तो श्रृगाल बोलता है कि नहीं नहीं इस शरीर का अंतिम भोक्ता कौन है, मैं हूँ। कीड़े बोलते हैं नहीं नहीं ये शरीर हमारा है। तो भागवत में ये प्रश्न उठा कि ये शरीर किसका है, तो जिस शरीर को हम अपना मान के बैठे हैं, इस चीज को हमें बार बार संत लोग समझाते हैं, ये शरीर तुम्हारे साथ ज्यादा दिन रखने वाला नहीं है। भाई सबका शरीर गया तो तुम्हारा क्यों नहीं जाएगा, तुम क्या कोई ब्रह्म लोक से आए हो, कौन से लोक से आए हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो आज हम इस एक ऐसी वस्तु से प्रीति लगा के बैठे हैं जिस वस्तु को एक दिन हमें क्या करना है, छोड़ना है, ये हमें धोखा दे जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अपना जो आत्मा है, जो अपना हृदय है, इस शरीर को ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर 100% छूटेगा ही छूटेगा, ध्रुव सत्य है, सबका छूटता है, रोज अखबार में पढ़ते हैं, आज इसके प्राण चले गए, आज उसके चले गए, किसी दिन हमारे भी जाएंगे। इसलिए क्या करो, जब तक देह में प्राण है तब तक क्या करो, तब तक चेष्टा करो कि जो प्रीति हमने इस शरीर से लगा के रखी है, इस जगत में लगा के रखी है, अनेक अनेक शरीरों से जो हमने प्रीति लगा के रखी है, उसको वहां से हटा के किसके चरणों में लगाओ, राधा गोविंद के चरणों में लगाओ, कृष्ण के चरणों में लगाओ। क्योंकि जिसकी प्रीति एक बारी कृष्ण के चरणों में लग जाती है, उसका फिर कभी पतन होता नहीं है, उसका कभी भी पतन नहीं होता। लेकिन जब तक हम, जहां पे हमारी प्रीति होती है, भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत क्लेवरम तम तम ए वेति कौन्ते सदा तद्भाव भविता, कि अर्जुन जैसी जैसे तुम्हारा मन जहाँ पे गया हुआ है, जहाँ जहाँ पे तुमने अपने मन को विभावित किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा मन लगा हुआ है, मरते समय तुमको वैसे ही भाव प्राप्त होंगे। अगर हमें मरते समय इस जगत से प्रेम रहा तो क्या होगा, दोबारा जगत में ही आना पड़ेगा, पता नहीं किसी भी योनि में आना पड़ेगा। लेकिन अगर मरते समय किसी की प्रीति किसके चरणों में चली गई, राधा गोविंद के चरणों में, तो उसको दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा नहीं। अब प्रश्न है कि इस जगत में नहीं आना पड़ेगा तो ये जगत अच्छा नहीं है क्या, ये जगत अच्छा है ही नहीं, ये जगत अच्छा है क्या, ये जगत अच्छा नहीं है। इस जगत को शास्त्र बोलते हैं ये मृत्यु लोक है, जहाँ पे हर कोई मरने के लिए आया, जहाँ पे हम लोग मरने के लिए आए हैं, वहाँ पे आने के बाद हम बड़े खुश होते हैं। भाई खुश क्यों हो रहे हो, जैसे मानो कोई एक बकरी थी, उस बकरी को आज नया नया एडमिशन मिला, बाहर घूमती थी, किसाई उसको लेके आ गया सब बकरियों के बीच में, तो सब लोग बहुत पार्टी करते हैं, आज मैं कहाँ पे आई हूँ, किसाई घर में आई हूँ, तो किसाई घर में आने को अच्छी बात है, भाई वहाँ तो कटना ही पड़ेगा। तो हम सब लोग कहाँ पे हैं, हम सब लोग इस किसाई घर में बैठे हैं। जब हम स्कूल में थे, स्कूल में आपको याद है, हम लोग एक हिंदी में हमें एक चैप्टर पढ़ाया था, जब 5 पांडव वनवास में गए थे, जब वनवास में जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद प्यास लगती है पानी की, किसको, द्रौपदी जी को, फिर जल लेने एक एक करके अर्जुन जाता है, भीम जाते हैं, नकुल सहदेव जाते हैं, और एक एक करके सब मारे जाते हैं, क्योंकि जिस पानी जब वो लेने जाते हैं उस कुंड का नाम होता है धर्म कुंड।
वहां पे एक यक्ष बैठा होता है, वो बोलता है मैं पानी लेने नहीं दूंगा जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे नहीं, तो एक एक करके सबको मार देता है। अब युधिष्ठिर महाराज जी देखते हैं भाई चारों भाई पानी लेने गए थे, पानी लेके तो आए नहीं और चारों ही वापस आते नहीं है, तो युधिष्ठिर महाराज जी आखिरी में जाके देखते हैं उस धर्म कुंड पे चारों भाई मरे पड़े हैं। अब भाई को तो पहले उठाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, बहुत प्यास लगी है, जैसे ही पानी पीने गए फिर यक्ष प्रकट हो गया कि तुम्हारे चारों भाइयों को जैसे मारा है भाई तुझे भी मार दूंगा, मेरे यहाँ से पानी पीना मत। क्यों नहीं पीना, मेरा कुंड है, नहीं पीना। और जैसे तुम्हारे भाइयों ने क्या किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनको मार दिया, तो तुम ऐसे करना मत वरना तुम्हें भी मार दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज जी धर्मराज हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पानी पीना चाहता हूँ, क्या करूँ। बोले कि ठीक है मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, प्रश्न के उत्तर दोगे तो पानी पी सकते हो। तो यक्ष ने वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न पूछे थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे जिसको हमने स्कूल में पढ़ा भी था लेकिन अभी हम भूल गए हैं, तो दोबारा से मैं याद करा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा था कि वार्ता, इस जगत की वार्ता क्या है, किम आश्चर्यम, इस जगत का आश्चर्य क्या है, किम सुखम, इस जगत में सुखी कौन है। तो एक प्रश्न था कि इस जगत की वार्ता क्या है, इस वार्ता के लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था कि इस जगत की वार्ता ऐसी है, एक ये जगत कैसा है, कढ़ाई के समान है, कढ़ाई होती है ना कढ़ाई, ये कढ़ाई के समान जगत है, और इस जगत के अंदर जो तीन ताप है ये कैसे है, कढ़ाई के नीचे जो अग्नि जल रही होती है तो उसमें अग्नि जल रही है, ये अग्नि कैसी है, तीन प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं, शारीरिक सुख जो शरीर का जो दुख मिलता है, उसके बाद आदि भौतिक दुख जो हमें दूसरी जीवात्माएं देती हैं, आध्यात्मिक दुख जो हमें अंदर से उत्पन्न होता है, और आदि दैविक दुख जो हमें देवी देवता देते हैं। तो ये हमें देवी देवता भी दुख देते हैं, इस संसार की जीवात्माएं भी दुख देती है और मन से भी दुख उत्पन्न होता है। तो इस जगत का जो दुख है ये सब क्या है, एक अग्नि है, और उस अग्नि के ऊपर क्या है, ये जगत एक कढ़ाई है, और उस कढ़ाई के अंदर क्या है, कढ़ाई के अंदर जीवात्मा को तला जा रहा है, जीवात्मा को क्या कर जा रहा है, भुना जा रहा है। हम सारी जीवात्माएं इस जगत में बैठी हैं, जगत किसके समान हो गया, एक कढ़ाई के समान जो कि अग्नि में जल रही है, हमारे हृदय की जो भोग वासनाएं हैं क्या है, हमें जलाती है। अब उसको जलाने के लिए वो जब हिलाने के लिए बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कड़ची, वो कड़ची क्या है, समय, दिन रात। और जो रसोईया है वो कौन है, काल पुरुष क्या करता है, हम सबको कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरगे उठाए, कबू राजा कबू प्रजा कबू शूद्र कबू कीट, हमें इस जगत में क्या करता है, दुख पे दुख देता रहता है। तो ये वार्ता है इस जगत की, हम सुनते हैं ना न्यूज़ क्या है, यही न्यूज़ है। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया इस जगत का आश्चर्य क्या है, तो बोला भाई इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, आहानी आहानी भूतानी गजान्ति अमाल्यम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम, इससे बड़ा और कौन सा आश्चर्य देखोगे कि इस जगत में सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जो बीच में बैठा ये आ रहे हैं वो जा रहे हैं, मैं सुनना जाऊंगा मुझे क्या फर्क पड़ता है। और हम लोग कभी सोचते हैं हम जाएंगे, हम लोग सोचते ही नहीं है, इसलिए आजकल तो इतना बुरा हाल हो चुका है, अगर कोई मरता भी है लोग मेकअप करके पहुंच जाते हैं, देखा है वहां पे ब्यूटी पार्लर में वो होते हैं ना पैकेजेस होते हैं, उसमें लिखा होता है, क्रिमेशन का भी होता है कि अगर आपको किसी क्रिमेशन पे जाना है तो आपको लाइट मेकअप करेंगे 500-400 रुपए देंगे, तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, ड्रेस बनाते हैं, अच्छा आज उसके चौथे पे जाना है कौन सी ड्रेस पहनूं, चलो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे कपड़े होने चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, वहां पे लोग मुझे देखेंगे, भाई तुझे लोग देखेंगे तो तेरा भी तो वही हाल होगा, जो उसको देखा था उसका भी वही हुआ था, उसका शरीर मिट्टी बन गया, तेरा भी बन जाएगा, तब भी तेरे को समझ में नहीं आती, क्यों, बुद्धि में जगह ही नहीं है, समझ में क्या आएगा। तो हम लोग कह रहे हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, अभी उसकी अग्नि बुझी भी नहीं है, अब ये भी जला के आए हैं उसको, और उसके बाद आने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर संसार में मत हो जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है, अपने सामने देखते हैं जल रहा है, अपने हाथों से भी जला के आते हैं, फिर आके कहते हैं भाई ये तो पूरी ठंडी है, थोड़ी गर्म पूरी नहीं खिला सकते, थोड़ा ठंडा पानी पिला दो, ये सब क्या है, हमारी बुद्धि में घुसता है, घुसता ही नहीं है। तो कह रहे हैं इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है कि हम सब लोग अपने सामने ही लोगों को देखते हैं, अपने हाथों से जला के आते हैं, तब भी हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, मैं क्यों जाऊंगा। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान यही है कि हम लोग यहाँ पे, गुरुजी बोलते थे ये कैसा है, ये एक गेस्ट हाउस है, हम लोग यहाँ पे रिफ्यूजी हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है, इसलिए जो हमारा परमानेंट स्थान है उसके लिए चेष्टा करो। कब तक रिफ्यूजी की तरह जीवन जीते रहोगे, रिफ्यूजी का जीवन अच्छा होता नहीं है, कभी यहाँ भटकता है कभी वहाँ भटकता है,
तो फिर सुखी कौन होता है? बोला सुखी व्यक्ति वो होता है जो अपने घर पे रहता है। तीसरा प्रश्न था कि कौन सुखी है? कह रहे हैं सुखी वो है जो अपने घर पे रहता है और जिसने किसी का ऋण नहीं देना। तो आप लोगों ने किसी का ऋण देना है? नहीं देना, ठीक है। बहुत सुखी हो, अपने घर पे रहते हो, बहुत सुखी हो। स्कूल में तो हमने यही पढ़ा था, स्कूल में ये पढ़ाया था, जो अपने घर पे रहते हैं और ऋण नहीं देना वो सुखी है, तो हम यही सोचते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो हमने बहुत सारे ऋण देने हैं। माता का ऋण देना है या नहीं देना? चुका दिया होगा किसी ने, इतना आसानी से तो चुकता नहीं है। पिता का ऋण देना है, देवताओं का ऋण देना है, धरती का ऋण देना है, सूर्य अग्नि चंद्रमा पता नहीं कितने कितने हमने ऋण देने हैं, अनेक अनेक जीवात्माओं के ऋण देने हैं। तो हम सब लोग ऋणी हैं। जब तक ऋण से नहीं चुकोगे सुखी हो नहीं सकते। और दूसरा बताया कि जो व्यक्ति अपने घर पे रहता है, तो जो व्यक्ति अपने घर पे रहता है, घर का एक क्या है, घर एक ऐसी वस्तु है जहां से आपको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, समय आता है घर से बाहर निकल जाते हैं, केवल फोटो अंदर रह जाती है, उसमें माला टांगने के लिए भी फिर कोई होता नहीं है, जाले लग जाते हैं, यही तो होता है। और उसके बाद दो पीढ़ी तीन पीढ़ी का वो फोटो भी हट जाती है, फिर नेक्स्ट पीढ़ी की फोटो आ जाती है। सुन रहे कि गुरु परंपरा की तरह कोई 50 फोटो लगा के रखेगा, खत्म हो जाता है कहानी, फिनिश दी एंड हो जाता है। तो हम लोग अपने घर पे भी रहते नहीं है। घर वो होता है जहाँ पे जाने के बाद कोई बाहर वापस आपको निकाल नहीं सकता। तो घर के लिए शास्त्र बोलते हैं स्वरूप ते है सबार गोलोक स्थिति। इस जगत में जो सबका स्वरूप है वो है गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम। इस बात को भगवान खुद बोलते हैं गीता में, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, कि जो एक बारी मेरे धाम को चला गया अर्जुन, वो दोबारा इस जगत में आता नहीं है। तो हम लोग अपने घर पे रहते हैं? नहीं रहते। हम लोगों ने कितना ऋण देना है? ऋण भी बहुत सारा देना है। अब जिस व्यक्ति ने ऋण देना हो और वो ऋण नहीं चुका रहा हो, तो सरकार उसको क्या करती है? पनिशमेंट करेगी? नहीं करेगी, पनिशमेंट करेगी। तो हमें दुख क्यों मिलते हैं? अभी हमने सुना ना, हमें आदि देविक दुख मिलता है। देवी देवता दुख क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उनका ऋण देना है। आपको आदि भौतिक जीवात्माएं दुख देती हैं, क्यों देती है? आपने उनका ऋण देना है। आध्यात्मिक दुख, आपको अंदर से क्लेश उत्पन्न होते हैं, क्यों? आपने अपना भी ऋण देना है, अपना भी आपने ऋण चुकाया नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति अगर इस ऋण को चुका दे, अगर कोई ऋण को चुका दे फिर दुख मिलेगा? फिर तो दुख मिलेगा नहीं। और इसलिए हम, अब प्रश्न है ऋण कैसे चुकाएं? क्या हम भगवान देवी देवताओं का माता पितागण का ऋण चुका सकते हैं? इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए भगवान गीता में एक बात और बोलते हैं कि तुम क्या करो, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओगे, मैं तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। तो ये सबसे शॉर्टकट प्रोसेस है। सारे दुखों को अगर खत्म करना चाहते हो, क्या करो? सब कुछ छोड़ के किसका भजन करो? कृष्ण का भजन करो, गोविंद का भजन करो। क्योंकि भगवान ने हमें एक गारंटी दिया है। जैसे होता है ना, हम कोई दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं। हम पैसे कब देते हैं? जब ये आपने खरीदा होगा टीवी, पैसे दिए होंगे 20-30 हज़ार रुपये, आपने बोला होगा ना भैया गारंटी है या नहीं है, ये तो है नहीं कि लेके अगर घर जाके काम नहीं करेगा। तो हम कहीं पे भी कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो गारंटी लेते हैं? नहीं लेते। गारंटी कार्ड इशू होता है। तो भगवत गीता में भगवान ने गारंटी कार्ड इशू करके दिया है। क्या गारंटी कार्ड है? कि तुम अगर मेरी शरण में आओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सारे ऋणों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान इतना कुछ करने को तैयार है। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा, इतना सुख जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मेरे शरण में आना पड़ेगा। अब आप लोग क्या भगवान की शरण में जाना चाहते हैं? हाँ। आप तो हाँ बोल रहे हैं, पीछे माताएं लोग हाई नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वो अपने पति की शरण में रह के बहुत खुश है। इसलिए अब भगवान की शरण में क्यों जाना? जाना चाहते हो? हाँ। जाना चाहते हो, ठीक है, पक्का हाँ बोलते हो? हाँ। ठीक है, अब भगवान की शरण में हम जाना चाहते तो हैं, लेकिन भगवान की शरण में अगर आप जाओगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो भगवान से प्रेम करना चाहते हो? कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो? सोच के बोलो। मीरा बाई को देखो क्या क्या किया था, विष तक मिला दिया था उसने कृष्ण से जब प्रेम किया। प्रहलाद महाराज जी ने जब भगवान से प्रेम किया, उसके पिताजी उसके विरोधी हो गए। अगर आप अभी बोलो हम कृष्ण से प्रेम करती है, वृंदावन जा रही है, सोचो पति क्या करेंगे? वो साथ में नहीं जाने वाले, वो किसी और के साथ चले जाएंगे। बताओ प्रेम करना चाहते हो कृष्ण से? सोच के बोलो। ठीक है, अगर आप लोग कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो तो प्रेम में एक चीज होती है सैक्रिफाइस। होता या नहीं होता? माता पिता जब बच्चों से प्रेम करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं या नहीं करते? करते हैं। तो अगर हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ जितना प्रेम होगा उतना ज्यादा सैक्रिफाइस होगा।
मीरा बाई का सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ज़्यादा, हमारा अभी प्रेम बहुत कम है, लेकिन अगर हम इस सेक्रीफाइस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रेम कृष्ण से होता रहेगा। तो भगवान ने एक विधि भी बताई है, मेरे शरण में आने की एक विधि है, अगर किसी के पास जाना है तो एक विधि होती है ना, तो भगवान इस विधि को खुद बताते हैं। क्या विधि है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। भगवान कह रहे हैं दो चीजें करो, जो मेरे भक्ति के अनुकूल है, जो मुझसे प्रेम करने की जो अनुकूल वस्तु है उसको तो क्या करो, ग्रहण करो, और जो प्रतिकूल है उसको उसको छोड़ दो। अनुकूल क्या है? भगवान कहते हैं अनुकूल है कि तुम मेरा नाम लो, ये अनुकूल है कि तुम हरि कथा सुनो, ये अनुकूल है कि तुम आके मेरे रोज दर्शन करो, ये अनुकूल है कि तुम मेरे सुंदर सुंदर भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ। तो प्रतिकूल क्या है? बोला प्रतिकूल है प्याज लहसुन छोड़ दो। क्या छोड़ दो? प्याज लहसुन छोड़ दो, ये है प्रतिकूल। आप बताओ कृष्ण से कौन प्रेम करना चाहते? पहले तो सब बोल रहे थे प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, मतलब छोड़ा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं वही हाथ ऊपर कर रहे हैं जिन्होंने छोड़ रखा है। अभी तो हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते थे, अब कृष्ण से प्रेम करना कोई कठिन है क्या? कुछ कठिन नहीं है। क्या करना है? एक प्याज लहसुन छोड़ना है। अब आपके सामने प्रेम में होते हैं ना दो ऑप्शन हो गए हैं, जैसे लड़की बोलती है ना भाई मैं तभी शादी करूंगी जब तू नौकरी छोड़ेगा और बिजनेस करेगा। अब उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इससे शादी कर लूं या नौकरी ले लूं। अब फिर उसका एक लड़की टेस्ट लेती है कि भाई देखूं ये नौकरी से ज्यादा प्रेम करता है या छोकरी से करता है। अगर बोलता है नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, तो लड़की बोलती है चल भाई फिर देखो नौकरी से प्रेम है, देखो मेरे से प्रेम ही नहीं है। अब आप लोगों का भी एक टेस्ट है, आपको कृष्ण से प्रेम है या प्याज लहसुन से, देख लेते हैं। अब आप कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो तो क्या छोड़ना पड़ेगा? प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। अब प्याज लहसुन छोड़ोगे या कृष्ण की भक्ति छोड़ोगे? प्याज लहसुन। तो भक्ति में क्या है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम सोचे कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम मन घड़न से भक्ति करेंगे, वो भक्ति होता नहीं है। हमारे महाराज जी के पास एक माता आती थी, वो बोलती थी कि कृष्ण तो मेरे पति हैं, मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ, मैं कृष्ण की गोपी हूँ। तो गोपी बनना इतना आसान नहीं है, गोपी एक बहुत ऊंचा शब्द है, वो एक ऐसा पद है जिसके लिए ब्रह्मा जी शिव जी भी ललायत होते हैं, शिव जी को भी वो पद की प्राप्ति नहीं हुई है, वो एक ऐसा प्रेम है, शिव जी भी उस प्रेम की वांछा करते हैं। तो ये बोलती थी कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ, मैं तो कृष्ण की मंजरी हूँ, गोपियों से भी छोटी होती हैं जो सेविकाएं होती है राधा जी की, उसको मंजरी बोलते हैं, मैं तो कृष्ण की मंजरी हूँ। और अपना पूरा श्रृंगार करती थी ठाकुर जी को, बोलती थी सबको देखो मैं ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ। तो महाराज जी ने एक दिन उसका प्रेम सबके सामने खोल के दिखा दिया कि उसका प्रेम कैसा है। महाराज जी ने उसको बोला कि देख भाई ऐसा है कृष्ण मर गए हैं। तो वो बहुत हंसने लगी। महाराज जी बोले तू हंसती क्यों है, मैं तेको बोल रहा हूँ कृष्ण मर गए हैं। बंगला में महाराज जी बोल रहे थे क्योंकि वो बंगाली थी। तो वो और हंसने लगी। तो बोले अरे तू हंसती है, तेको समझ में नहीं आ रही, तेको रोना चाहिए कृष्ण मर गए, कृष्ण गए। वो और हंसना शुरू किया। तो महाराज जी ने बोला तू मंजरी नहीं तू कंजरी है। क्यों? अगर गोपियां इसको हल्का सा सुनती है कि कृष्ण को बुखार हो गया, कृष्ण के चरणों में हल्का सा तिनका लग गया, किसी भी प्रकार से कृष्ण जो है चलते चलते गिर गए, गोपियां अगर इसको भी सुनती है तो गोपियों की एक ऐसी स्थिति होती है कि गोपियों के जो प्राण है वो उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं कि ओ कृष्ण को बुखार हो गया है, कृष्ण को सर दर्द हो रहा है। कृष्ण को अगर हल्का सा भी कुछ प्रतिकूल सुन ले उनके प्राण मछली की तरह छटपटाने लगते हैं, लेकिन तुम कैसी हो, तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम तो हंसी जा रही हो। तो क्या उसका प्रेम था ये? नहीं। तो अभी वास्तविक सच देखा जाए तुम्हारे अंदर प्रेम है कृष्ण के प्रति या नहीं है? नहीं है, नहीं है। हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, वास्तविक में नहीं है। ये वास्तविकता है, और वास्तविकता को जो स्वीकार करते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। वास्तविकता जो छुपता है वो मूर्ख कहलाता है। वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। लेकिन एक वास्तविकता और भी है, जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमारे दुख खत्म नहीं होंगे। तो भाई कृष्ण से तो प्रेम करना पड़ेगा, और कृष्ण से प्रेम करने की जो विधि है वो बहुत ही सरल विधि है, कठिन नहीं है। जो भी आप घर में खाना खाते हो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत करोषी यद अश्नासी यद जुहोषी ददासी यत तत कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन जो तुम खाते हो मुझे अर्पित कर दो, जो तुम दान देते हो वो मुझे अर्पित कर दो, जो तुम अपने कर्म करते हो वो मुझे अर्पित कर दो। तो हम अपनी हर क्रियाओं को भगवान को समर्पित करें, ये होता है भक्ति। अब भक्ति में हर क्रियाओं को भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? सुबह उठे, उठने के साथ साथ क्या किया? अखबार पढ़ी, चाय पी ली, टीवी देख लिया,
टीवी देखने के बाद बच्चों को स्कूल से सब कुछ भेज दिया, नहा धो लिया, ठाकुर जी के सामने आए, घंटी बजाई, बत्ती कर दी, बस खत्म, और बोल दिया कि हम तो भक्त हैं। ऐसे नहीं होता। भक्ति में समर्पित कैसे करना पड़ेगा? अपनी सारी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद सबसे पहले क्या करना है? ठाकुर जी की सेवा करनी है। घर में ठाकुर जी होने चाहिए। जैसे हम घर में अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी के साथ प्रीति होनी चाहिए, उनकी सेवा करनी है। घर में जो भी खाना बनेगा सबसे पहले किसको भोग लगेगा? ठाकुर जी को भोग लगेगा। उसके बाद प्रसाद के रूप में ही बच्चों को मिलेगा। तो अब आपने बच्चों को क्या दिया? ठाकुर जी का प्रसाद दिया। आपने रसोई में जो कार्य किया वो क्या हो गया आपका? ठाकुर जी की सेवा हो गई। आप सुबह सब्जी लेने के लिए गए, वो क्या हो गया? ठाकुर जी की सेवा हो गई। सब्जी काटा, वो क्या हो गया? ठाकुर जी का सेवा हो गया। घर में बर्तन धो रहे हो, वो क्या हो गई? ठाकुर जी की सेवा हो गई। उसके बाद घर में जितनी भी आप चीज़ें करते हो सब ठाकुर जी का सेवा। जैसे अगर आप गोविंद देव जी मंदिर में जाके सुबह देखना, लोग झाड़ू मारते हैं तो उनको वहाँ पे सेवा का फल मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। क्यों? वहाँ पे गोविंद देव जी के मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं। अगर कोई वही व्यक्ति आपके घर में आके झाड़ू मारे तो उसको फल मिलेगा गोविंद देव जी की सेवा का? फिर तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे घर में ही ठाकुर जी हैं, हमारे घर में ही ठाकुर जी की सेवा होती है, तो हमारे घर में झाड़ू मारना भी क्या हो गया? सेवा हो गया। तो हमारी सारी क्रियाएं क्या बन जाती है? फिर सेवा बन जाती है। तो भक्ति के अंदर जो है भारी जो क्रिया है वो देखने से एक है, भारी क्रिया में देखने में कोई अंतर नहीं है। जैसे देखो, रावण पहले राजा था लंका का, उसको मारने के बाद किसको बना दिया? विभीषण को। अंतर क्या? जैसे राज्य वो करता था वैसे वो भी करता है। सोने की लंका उसकी थी, इसकी भी है। प्रजा को देखभाल वो भी करता था, ये भी करता था। लेकिन अंतर है या नहीं है? भारी दृष्टि से अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे आता है? भक्ति में। अब जो गोविंद देव जी के मंदिर में होता है वही तुम्हारे घर में होता है। गोविंद देव जी के लिए भी रोज सुबह चावल बनते हैं, उनके लिए भी कोई चावल लेके आता होगा। मंदिर में भी रोटी बनती है, मंदिर में भी सब्जी बनती है, वही चीज हमारे घर में बनती है। अंतर क्या है? वहां पे वो किसके लिए हो रहा है सब कुछ? भगवान के लिए हो रहा है। और यहाँ पे किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। तो जो क्रिया हम भगवान के लिए करते हैं, जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध तो दोनों कर रहे थे, कौरव ने भी युद्ध किया, पांडव ने भी युद्ध किया है। लेकिन कौरवों ने जो युद्ध किया है किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। पांडवों ने अपने लिए नहीं किया, किसके लिए किया है? ठाकुर जी के लिए किया है। तो जो भी क्रिया हम ठाकुर जी के लिए करते हैं फिर वहां पे हमारा अपनापन खत्म हो जाता है। वहां पे हो जाता है कि किसकी सेवा हो गई? ये ठाकुर जी की सेवा हो गई। इसलिए आप लोग अपने घर में जिनके ठाकुर जी हैं बहुत अच्छा है, जिनके नहीं है आप लोग प्याज लहसुन छोड़ो पहले। प्याज लहसुन तामसिक वस्तु है, जब तक प्याज लहसुन खाओगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर अभी प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ने की चेष्टा करो और भगवान का लेकिन नाम लो, क्योंकि कलयुग में एक ही साधन है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम के अलावा आज तक इतिहास में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, किसी ने आज तक तो भगवान के नाम के अलावा भगवान को प्राप्त किया हो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। हो सकता है अगर आप हो जाओ बिना भगवान के नाम के प्राप्त कर लो, आपका नाम भी कभी भागवत में लिखा हुआ आ जाए, प्रयास करते रहो, हो सकता है हो जाओ। लेकिन आज तक तो कोई ऐसा साधक नहीं हुआ जिसने भगवान के नाम को छोड़ के किसी और साधन से भगवान को प्राप्त किया हो, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसे साधक का नाम नहीं है जो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता हो और उसको ठाकुर जी मिल गए हो। आज तक ऐसा कोई साधक नहीं है जो कुत्ते को रोटी खिलाता हो और उसको भगवान मिल गए हो। करते हैं ना आजकल लोग, यही तो पंडित बोलते हैं कि जाके शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाओ जी। ये सब जो है ये सब मनोकल्पित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवान को प्राप्ति करनी है तो एक ही मार्ग है, भगवान का नाम। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सूर्य देव को जल चढ़ाया और उसको भगवान मिल गए हो, आज तक तो हमने ऐसा सुना नहीं है। जितने भी लोगों को आज तक भगवान की प्राप्ति हुई है केवल उनके जीवन में एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। इसलिए उस साधन को पकड़ लो, भगवान के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। मंदिर में जाके परिक्रमा जितनी मर्जी कर लो, जब तक भगवान का नाम हाथ में नहीं आएगा हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं, वो उसका भी कुछ महत्व फल नहीं रह जाता। जैसे देखो, मानो हम यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ करते हुए जब हम आहुति देते हैं, आहुति देते हुए एक व्यक्ति क्या करे, पिछड़ी गाने गाते रहे या संसारिक बातें करता रहे और यज्ञ देते रहे। अच्छा, तेरे घर में बेटी की शादी हो गई, अच्छा कहाँ पे हुई, अच्छा बहुत अच्छा है, स्वाहा। और उसका पति क्या करता है? स्वाहा। कुछ फल मिलेगा यज्ञ का? नहीं, नहीं। तो यज्ञ का फल कब मिलता है? जब उसमें आप आहुति में क्या नाम लोगे?
गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, भगवान के नाम से तो फल मिलेगा, बिना भगवान के नाम के मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे मंदिर में गए हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं, चारनी आठवीं 108 परिक्रमा करेंगे, वहां पे देखा 108 परिक्रमा भी करते हैं लोग, हाथ में माला लेके 108 परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करते हुए क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वहां पे उस परिक्रमा का आपकी जो भक्ति की क्रिया थी उसमें भगवान का नाम ही मुख्य है। अगर आप उस नाम को हटा के बाकी क्रिया करते हो तो वो केवल एक कर्म का अंग रह जाती है, समझ रहे हो इस बात को। इसलिए हमारे जीव को स्वामी जी कहते हैं, यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य तथा कीर्तन आके भक्ति संयोगेन इति उक्तम, कि भक्ति की जितनी क्रियाएं हैं वो सारी कलयुग में होने पर भी अगर उसमें भगवान का नाम आप नहीं जोड़ोगे तो उसकी जो महत्ता है वो महत्ता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करते हुए क्या कर रहे हो, अच्छा बेटा तूने स्कूल में जाना है, होमवर्क कर लिया, अच्छा बेटा तूने ये कर लिया वो कर लिया, तो वहां पे जो ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हो वो भी कर्म के अंतर्गत आ जाएगी। तो जो भी आप ठाकुर जी की सेवा करो तब भी मुख से क्या निकलता रहना चाहिए, भगवान का नाम। तो कलयुग में एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम को छोड़कर और कोई साधन नहीं है, और बाकी जितने भी साधन है वो तभी तक एक्टिव है जब तक उसमें क्या है, भगवान का नाम है। जैसे देखो ये शरीर, आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीवा बोलती है, स्वाद करती है, नासिका ग्रहण करती है, ये सारी इंद्रियां काम करती है, लेकिन इन सारी इंद्रियों के पीछे मूल में आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो कोई इंद्रिय काम करेगी नहीं। कुछ नहीं करेगी। उसी प्रकार से भक्ति के जितने भी अंग हैं उसका जो मूल आत्मा स्वरूप है वो है भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए भगवान के नाम को छोड़ के अगर आप सोचो कि हम कभी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है, और आप इतिहास को बदलने मत जाओ, बहुत सारे ऋषि मुनि सब कुछ करके देख चुके हैं, और उन्होंने सबने मिलके ही एक निकाला है, भगवान का नाम। आप में से किसी ने रामायण पढ़ी है, कितने लोगों ने पढ़ी है? क्विज खेलेंगे, मैं प्रश्न पूछूंगा, नहीं उत्तर दोगे तो फिर देख लो। किसी ने नहीं पढ़ी, ठीक है। आप में से किसी ने गीता पढ़ी है? पढ़ी है ना, मुझे गीता नहीं पढ़ी। भागवत पढ़ी है? ठीक है, लेकिन किसी ने अच्छी तरह पढ़ी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे को दिखता नहीं है, चाहे पराया हमारा जीवन पता नहीं कितना चला गया उतना बाकी है ये नहीं, कोई गारंटी से बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हो जितने साल के अभी आप हो, बोलो इतने साल में और जीऊंगा, कोई बोल सकता है? अगर मैं 40 साल का हूं, 40 और जीऊंगा, बोल नहीं सकते। तो जितना चला गया है उतना तो बाकी नहीं है, ये तो निश्चित है, और जितना चला गया है उतने में पढ़ी नहीं, प्राय तो चला ही गया, अब जो आने वाले उसमें पढ़ोगे उसकी क्या गारंटी है। लेकिन चलो ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी ने चारों वेद चार बारी पढ़े हैं, और चारों बारी पढ़ने के बाद उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला, पहले सारे अच्छी तरह पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद बहुत विचार किया, विचार करने के बाद क्या कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, केवल भगवान का नाम लो नाम लो नाम लो। हो सकता है शायद गलती हो गई हो, चार मुख है ना, तो एक बारी फिर से पढ़ता हूँ। फिर चारों मुख से फिर से पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर एक ही सार निकाला, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, केवल भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम। नहीं, हो सकता है शायद फिर गलती हो गई हो, फिर तीसरी बारी पढ़ता हूँ। फिर तीसरी बारी पढ़ने के बाद फिर यही सार निकला, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। उसके बाद फिर चौथी बारी भी पढ़ा, फिर से यही सार निकला, हरेर नाम हरे नाम ही केवलम, कि कलयुग में भगवान के नाम को छोड़ के कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बार बार बोल दिया। इसी बात को मीरा देवी भी आपकी बोल के चली गई, कि हो सकता है भाई राजस्थान के लोग ब्रह्मा जी की बात तो मानेंगे नहीं, मैं राजस्थान की हूँ मेरी बात तो मान लेंगे, क्या बोल के गई, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज शोर मचाऊं गली गली, जिन्होंने लूटे ये सब मोती वो सब माला माल हुए, बने जो पुजारी माया के आखिर में सब कंगाल हुए। तो जिन्होंने वो मोती लूटे, उस मोती को लूटने के लिए क्या है, हाथ में ये माला, दिन रात मोती लूटते रहो, बैंक अकाउंट नहीं होता उसमें दिन रात पैसे जमा करते रहते हैं, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, इसमें मोती लूटते रहो। है किसी के पास? हमारे पास तो है, पीछे वालों आप लोगों के पास है, इसको अपने पास रखो, लूटना सीखो, जो धन मिल रहा है इसको लूटो, उसने बार बार बोला।
और बने जो पुजारी माया के, यानी कि जिनके गले में ये तो नहीं है लेकिन सोना जरूर पहना हुआ गले में, कान में सोना जरूर है, ये कौन हो गए? माया के पुजारी। कोई माता छुपा भी रही है ऐसे, छुपाओ मत, वो है तो है। तो ये हो गया माया के पुजारी। आखिर में सब क्या हुए? कंगाल। क्योंकि भाई जब मृत्यु आएगी सबसे पहले क्या करेंगे लोग, घर वाले, नजर जाएगी सबसे पहले, नजर जाती है कि भाई कितना सोना पहना हुआ है। बहुएं सोचती है बाएं हाथ का मैं लूंगी, नहीं नहीं दाएं हाथ का मैं लूंगी, गले का मैं लूंगी। अभी तो उसको अंतिम संस्कार भी गया नहीं है, पहले उसके मरने से पहले भी छोड़ो, अभी तो पहले नजर रहती है कि इसके पास कितना सोना है, मरने से पहले ही भैया पहले ही लिख दो वरना बाद में लड़ाई होगी। तो भाई उस कलेश के पीछे क्यों पागल होते हो जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है। मेरा है, मेरा है सोना, उसको कानों से छाती से चिपका के रखो। कौन सा सोना तुम्हारा है भाई? जिस सोने को तुम अपना बोल रहे हो उस सोने को तुमसे पहले कितने लोग आके बोल चुके हैं मेरा था, वो किसी का नहीं हुआ। तो जो भाई किसी का नहीं हो तुम्हारा क्यों हो जाएगा? इसलिए जो हमारा वस्तु है ये क्या है? कंठी माला, ये हमारी है। इसलिए जिसके गले में कंठी माला होती है उसकी गति हो जाती है। मरने के बाद लोग क्या करते हैं? जब अंतिम संस्कार होता है उसके मुख में तुलसी डालते हैं, नहीं डालते? तुलसी डालते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी से ही उद्धार होगा। अब कोई बोले नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, उसके मुख में तुलसी मत डालो, उसके मुख में सोना डालो, मैं सोना लेके आता हूँ, तो उससे कुछ होगा क्या? उससे तो बेचारा वैसी नरक में और जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? गले में तुलसी पहनते हैं। इसलिए आप लोग ठाकुर जी के भक्त बनो। भारत भूमि पे जो जन्म होता है बहुत साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण है। ये भगवान की बहुत कृपा कि आपको भारत में जन्म दिया, उसके बाद जयपुर में दिया। जयपुर क्या है? गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन है। तो ये आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप सब लोग गुप्त ब्रजवासी हो, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये छोटी जहाँ गोविंद जी है वो तो बड़ी काशी है, छोटी क्यों, सब है यहाँ पे। तो इसलिए आप लोग क्या करो, भगवान का आज से ही भजन करना शुरू करो। और कलयुग का एक ही महामंत्र है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आजकल तो आप सब लोग व्हाट्सएप पे घुसे हुए हो, तो इसलिए हमें भी व्हाट्सएप में घुसना पड़ा आपको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो आप सब लोग भी क्या करो, व्हाट्सएप में हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, उस ग्रुप में आप दीदी से नंबर ले लेना, अपना नंबर इनको दे देना और आप हमारा नंबर भी लिख लेना, और उसमें फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना, जिसमें आपके पास भक्ति के मैसेजेस आते रहेंगे। और कम से कम फेसबुक या इसके माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ सत्संग को प्राप्त कर सकते हो, सत्संग सुन सकते हो। और अभी हम सब लोग महा भगवान का नाम करते हैं, और आप लोग भी अपने जीवन में जैसे हम लोगों ने माला रखी है तो आप लोग भी अपने पास माला रखो। हिंदू लोगों बिना माला के नहीं रहना चाहिए, सबके पास माला होनी चाहिए। और रोज एक क्रम लो कि मैं 4 माला करूँगा, 8 माला करूँगा। अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आओ कि मैंने 1 घंटा रोज देना है। किसके लिए देना है? भगवान के नाम के लिए देना है। और 24 घंटे में से 1 घंटा उसको रिजर्व करके रखो कि वो किसी का नहीं, वो केवल किसका? भगवान का। उस 1 घंटे मैंने बैठ के केवल भगवान का नाम करना और कुछ नहीं करना। क्यों भाई? वही तो मेरे साथ जाएगा। तो उस 1 घंटे को अपने लिए जीवन में निकालो, क्योंकि अभी आप 24 घंटे दे रहे हो संसार के लिए, और जब आप मर जाओगे संसार आपके लिए 24 घंटे नहीं देगा, वो 2 घंटे में फूक के वापस आ जाएगा। कोई वहाँ पे 24 घंटे भी आपके लिए खड़े होने वाला नहीं है। तो जिसको आप पूरा जीवन दे रहे हो वो आपको 2 दिन भी नहीं देंगे, 2 घंटे भी नहीं देंगे। लेकिन जो आपके साथ जाएगा, जो भगवान का नाम है, इसको अभी से अपने जीवन में एक आज से ही 1 घंटा निकालो कि मैं 1 घंटा रोज भगवान का नाम करूंगा। 1 घंटे में 8 माला होती है, तो 1 किलो मैंने 8 माला रोज करनी ही करनी है, ठीक है? अब भगवान से प्रेम करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इस जगत से प्रेम करना मुश्किल, जगत के लिए इतना कुछ करो तब भी जगत वाले क्या करते हैं? छोड़ के टाटा बाय बाय करके आ जाएंगे। लेकिन भगवान से अगर प्रेम कर लोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, क्या कर लेंगे? आपको पकड़ के अपने साथ ही जोड़ लेंगे। तो यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी